हेलो एवरीवन, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो फालूदा और रोज़ फालूदा। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी। फालूदा बनाने के लिए मैंने लिया है एक ग्लास यानी कि 1 ग्लास मिल्क, ठंडा एकदम चिल्ड दूध लिया है। मैंगो फालूदा के लिए मैंने लिया है आम का प्यूरी, मैंगो का प्यूरी लिया है। आप इसकी जगह पर मैंगो का सिरप भी ले सकते हैं, मैंगो का शरबत। रोज़ फालूदा के लिए मैंने लिया है रोज़ का सिरप, रोज़ वाला शरबत। और हमें चाहिए सब्जा सीड्स, इसे हमें सब्जा सीड्स भी कहते हैं और टुकमरिया भी कहते हैं। आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, छोटे छोटे एकदम दाने आते हैं ब्लैक ब्लैक, उसे हमें पानी में भिगा के रखना होता है 10 से 15 मिनट के लिए और ये फूल कर इस तरह से तैयार हो जाते हैं। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। और ये मैंने ली है उबली हुई सेवैया, बॉइल्ड वर्मिसली। और हमें चाहिए कटिंग किए हुए ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, ये मैंने तीनों ड्राई फ्रूट्स लिए हैं एकदम कटिंग करके। आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं रोज़ फालूदा एंड मैंगो फालूदा। सबसे पहले हम ग्लास में डालेंगे मैंगो का पल्प, 2 बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है। और अब हम डालेंगे सब्जा सीड्स 1 से 1.5 चम्मच जितना। और फिर डालेंगे बॉइल्ड सेवैया, ये भी आप अपने हिसाब से 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरे ग्लास में डालेंगे रोज़ सिरप 2 से 3 चम्मच जितना। दूध के अंदर हमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिरप ऑलरेडी मीठा होता है। और इसके अंदर भी हम डाल देंगे सब्जा सीड्स और वर्मिसली बॉइल की हुई। और अब हम दोनों में डालेंगे 1/2 ग्लास मिल्क, दोनों में आधा आधी ग्लास मैंने मिल्क डाल दिया है। मिक्स करेंगे दोनों को अच्छे से। सब्जा सीड्स आप इसके अंदर ज़रूर से डालें, इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और हम डालेंगे इसके अंदर आइसक्रीम, मैंने वनीला आइसक्रीम ली है। आप दोनों में अलग अलग आइसक्रीम ले सकते हैं, रोज़ में रोज़ और मैंगो में मैंगो आइसक्रीम, मैंने दोनों में वनीला डाला है। रोज़ के ऊपर डालेंगे रोज़ सिरप और मैंगो के ऊपर मैंगो का पल्प। आप टूटी फ्रूटी चेरी या फिर मैंगो के स्लाइसेस टुकड़े छोटे छोटे किए वो भी डाल सकते हैं। लास्ट में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो हमारा ठंडा ठंडा रोज़ फालूदा और मैंगो फालूदा तैयार है खाने के लिए। आप इसे ठंडा ठंडा खाइए और पीजिए। ये हमने घर पर ही कितने आसानी से बना दिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको अपने आप ही मिलती है।